पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर रविवार तड़के छापे मारे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। पार्टी ने दावा किया कि डॉक्टर खालिद के परिवार के मेंबर के फोन भी जब्त कर लिए गए और अधिकारी उन्हें अपने साथ ले गए। पीटीआई ने हालांकि छापे मारने वाली एजेंसी का नाम नहीं लिया। पार्टी ने ट्वीट करके कहा, बेहद परेशान करने वाली खबर, प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर छापे मारे गए और उन्होंने उनके परिवार के मेंबरों से सभी फ़ोन ले लिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कभी किसी को गलत शब्द नहीं कहे और न ही किसी संस्थान पर हमला किया। पीटीआई ने दावा किया कि अपोजिशन ने निवर्तमान कैबिनेट मंत्रियों या पार्टी सदस्यों के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं करने का वादा किया था, इसके बावजूद ये छापे मारे गए। पाकिस्तान की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने अपने इमिग्रेशन अधिकारियों को सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सतर्क रहने को कहा है। साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के शासन का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बगैर देश नहीं छोड़ने पाए। न्यूज़पेपर डॉन की खबर के मुताबिक FIA ने यह कदम संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उठाया है। खबर में कहा गया है कि FIA के इमिग्रेशन एम्प्लाइज को देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही उन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रोकने के निर्देश दिए गए हैं जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बगैर देश छोड़ने की फिराक में हो। खबर के मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें कहा गया है कि विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच बढ़ा दी गई है। FIA और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें सतर्क रहने और किसी भी सरकारी अधिकारी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बगैर देश छोड़ने की इजाज़त नहीं देने के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस किसने दिए। गौरतलब है कि खान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी मित्र फराह खान ने इन खबरों के बीच पिछले सप्ताह देश छोड़ दिया था कि अगर नई सरकार आती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। विपक्ष ने फराह खान पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की शह पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सत्ता से बेदखल किए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं। ज्वाइंट अपोजिशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को पहले ही अपना ज्वाइंट कैंडिडेट घोषित कर दिया है। नेशनल असेंबली की लंबी बैठक रविवार तड़के स्थगित कर दी गई और नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए सोमवार दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। GK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 705-109-1811।